अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। उसमें दावा किया जा रहा है कि उसके खाने में किसी अनजान शख्स ने जहर डाल दिया था, जिसको खाने के बाद दाऊद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दाऊद इब्राहिम की कई नामी बेनामी संपत्तियां विश्व के कई बड़े देशों में है। 15 साल पहले पाकिस्तान के रिपोर्टर गुलाम हसनैन ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि दाऊद दुबई छोड़कर कराची में रहता है और वो वहीं से अपना पूरा कारोबार चलाता है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद आपस में समधी हैं। दाऊद की बड़ी बेटी महरूख की शादी जावेद मियादाद के बेटे जुनैद मियादाद से हुई है। इन दोनों की शादी साल 2006 में हुई थी। उस समय में भी दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात उठी थी, लेकिन तब जावेद समेत कई लोगों ने कहा था कि दाऊद का इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। महरूख और जुनैद ने अपनी शादी की पार्टी दुबई के ग्रैंड हयात होटल में दी थी, जिसमें करीब 500 गेस्ट शामिल हुए थे। पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नजर इस शादी पर थी। सबको उम्मीद थी कि दाऊद अपनी बेटी की शादी में जरूर शिरकत करेगा, लेकिन वो कैमरे में कैद नहीं हो पाया और आज तक क्लियर नहीं है कि वो शादी में आया या फिर नहीं। दाऊद इब्राहिम की पत्नी का नाम महजबी उर्फ जुबीना जरीना है। इस शादी से एक बेटा और दो बेटियां हैं। दाऊद के बेटे का नाम मोइन इब्राहिम, बड़ी बेटी का नाम महरूख और छोटी बेटी का नाम महरीन है। कुछ वक्त पहले ब्रिटेन में जब दाऊद की संपत्ति जब्त हुई थी, तो महरूख के बारे में एक खबर आई थी कि वो उस कंपनी को चलाती है जिसका मालिक उसका पिता है, और दाऊद ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा महरूख जुनैद के नाम किया हुआ है। लेकिन जावेद मियादाद ने इन बातों को सिरे से नकारते हुए कहा था कि ये सारी बातें गलत हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।